वेलकम बैक टू नॉट इज 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ है आयकर विभाग के तरफ से कानपुर में वैकेंसी निकाली गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से निकाली गई है। एमटीएस का इंस्पेक्टर के सहायक के पदों पर भर्ती आप लोगों को लिया जाएगा। फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि 10 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को योग्यता 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन पास तक के मांगी गई है। पुरुष एवं महिला दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से टोटल पद के बात करें तो 40 पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। और ये जो है फॉर्म आप भर सकते हैं खेल कोटा के माध्यम से, स्पोर्ट के माध्यम से ही भर सकते हैं। स्पोर्ट वाले के ही लिए फॉर्म निकाली गई है। एमटीएस का जो है 19 पद दिया गया हुआ, 18 से 25 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 18,000 से 56,900 तक वेतन दिया जाएगा एवं 10वीं पास होनी चाहिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 4 पद दिया गया हुआ है जो 18 से 30 वर्ष तक आयु मांगी गई है। 44,900 से 1,42,400 तक वेतन दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। कर सहायक का है 18 पद दिया गया हुआ है जो 18 से 27 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 25,500 से 81,100 तक वेतन दिया जाएगा आप लोगों को। ग्रेजुएशन पास तथा कंप्यूटर पर 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आप लोगों को टाइपिंग देनी होगी। आयु की गणना 1 अप्रैल 2022 के अनुसार लिया जाएगा। आयु में आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता देखिए दे दिया गया हुआ है, यूपी कानपुर का दिया गया हुआ है। यहाँ आप लोगों को 10 अप्रैल से पहले स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं। पहले तो आप लोगों को सर्टिफिकेट जैसे 10वीं के मांग रही तो 10वीं, 12वीं के मांग रही तो 12वीं, ग्रेजुएशन के मांग रही तो ग्रेजुएशन के, जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, खेल कोटा का प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, खेल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, पासपोर्ट किसी भी प्रकार के एक आईडी प्रूफ दे दीजिएगा, एक स्वयं का पता हुआ लिखा हुआ लिफाफा डाल दीजिएगा, इतना ही मांगा गया हुआ। आवेदन वाले लिफाफे पर पोस्ट एवं कैटेगरी कौन सा स्पोर्ट है जो आप लिख दीजिएगा। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भर दीजिएगा। अगर जिस प्रकार के स्पोर्ट में आप हैं तो उस प्रकार के स्पोर्ट आप यहां से चूज कर सकते हैं। पोल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो भी आपको साइकिल रेसिंग हो गया, जो भी आप स्पोर्ट में हैं उसमें अपना चूज कर लीजिएगा और चूज करके फॉर्म को उस कोटा के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। खेल स्तर एवं अन्य योग्यता के लिए विभागीय नोटिस देख सकते हैं। अगर खेल स्तर और देखनी हो तो विभागीय नोटिस भी आप लोग देख सकते हैं। बिना खेल प्रमाण पत्र के आवेदन इस पदों पर नहीं लिया जाएगा, मतलब आप लोगों को खेल कोटा होनी चाहिए। बिना खेल कोटा के आवेदन आमंत्रित नहीं, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। पदों की संख्या में बिना किसी सूचना के कमी या वृद्धि भी किया जा सकता है, अर्थात भर्ती प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रद्द भी किया जा सकता है। आवेदन ने खेल योग्यता 19/2020/2021 में प्राप्त की हो, बोल दिया गया हुआ कि 2019/20/21 में खेल प्राप्त किया हुआ हुआ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 2016/2015/2018 में पास किए हैं उनके लिए नहीं है, 19/20/21 के लिए ये खेल कोटा के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है वैकेंसी जो कानपुर में है। और ऑल इंडिया इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।